तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं देखिए निफ्टी गैप डाउन ओपन हो रहा है तो क्या हुआ है यहाँ पे ये जो कोल की पोजीशन बनी थी ये जो कोल की पोजीशन बनी थी उनको रिस्क आ गया क्योंकि एक तो प्रीमियम उनका जो काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि दो दिन का हॉलीडे था बीच में तो इसके कारण उनका टाइम स्पेंड होने के कारण उनका जो प्रीमियम है वो काफ़ी लो हो जाता है और अभी यहाँ पे ओपन होने के कारण उनको काफ़ी लॉस होने लगेगा दूसरा जो यहाँ पे पुट बनाई थी जिन्होंने पुट बाय की थी उनका क्या हुआ यहाँ पे अभी भी उनका कुछ प्रॉफिट बनेगा नहीं क्योंकि देखिए मार्केट में इतना गैप डाउन ज़रूर खुला है लेकिन ये गैप डाउन कोई वो नहीं है कि पुट में अपना प्रीमियम इंक्रीज़ तो करेगा लेकिन इतना नहीं करिएगा जितना दो दिन में उनका प्रीमियम लॉस्ट हो गया है तो ऐसा है कि हम क्या करेंगे यहाँ पे कोल्ड साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश करें क्यों बनाएंगे कोल्ड साइड की पोजीशन क्योंकि देखिए ये कोल्ड साइड की ये जो है ये पूरे के पूरे ट्रैप हो गए हैं तो जब एक रेड कैंडल आ जाएगी तब क्या होगा मार्केट में इनकी तो जो कोल बनाई थी इनका सभी का एसल वगैरह हिट हो जाएगा बाद में बचेंगे पुट वाले तो पुट वालों के लिए हम वो एसल के लिए हम यहाँ पे बाइंग साइड की पोजीशन बनाएंगे तो वेट करेंगे मार्केट में जस्ट फ्यू मिनट्स में मार्केट ओपन होने वाला है और उसके बाद ही हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे और देखते हैं ये आज थोड़ा सा नया काम कर रहे हैं तो देखेंगे इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो अभी मार्केट को ओपन होने देते हैं तो चलिए यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है तो अब हम पोजीशन बना लेते हैं चलिए पोजीशन बनाते हैं यहाँ पे कोल्ड साइड ले लेते हैं थोड़ा सा क्वांटिटी आज हम निफ्टी निफ्टी के अंदर रखेंगे सॉरी बैंक निफ्टी के अंदर रखेंगे तो so करंटली हमें फ़ोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड के लॉस नज़र आ रहा है तो हमने पोजीशन क्यों बनाई है देखिए मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था इसको चलने देते हैं तो हमने पोजीशन क्यों बनाई है देखिए जब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और जब ये डाउन साइड का मोमेंटम हुआ तो उस समय क्या हुआ कि जब कोल का जो प्रीमियम काफ़ी लो हो जाता है ना वो ऑलरेडी उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं लेकिन जो ये पुट के पोजीशन थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करने लगते हैं तो इसी कारण ये मोमेंटम आया हुआ देखते हैं करंटली हमें फ़ोर्टी के अराउंड हमारा प्रॉफिट चल रहा है फोर्टी टू देखते हैं कैसा मोमेंटम आएगा ये फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट तो वो तेजी का अच्छा मोमेंटम आया हुआ है होल्ड करें अभी पोजीशन को थोड़ा सा निफ्टी का देख लेते हैं निफ्टी में भी एक अच्छा बाइंग साइड का मोमेंटम आया हुआ है तो देखिए पोजीशन हमने बहुत ही सिंपल रखी थी क्यों सिंपल रखी थी देखिए जब ये यहाँ पे ओपन हुआ था ये यहाँ कहीं ओपन हुआ था तो उसके बाद ये क्या कि आपको समझना होगा जब आपको फ्राइडे को जब आप पोजीशन बनाते हो तो उसमें क्या हो जाता है कि अगर आपने यहाँ कहीं भी कॉल की पोजीशन बनाई थी अगर आप पोजिशनल उसको होल्ड करके चले भी गए हो तो अगर मार्केट जरा सा भी गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाता है और थोड़ा सा भी नीचे मोमेंटम करने लगता है तो फिर क्या है कि वो कॉल के प्रीमियम काफ़ी लो हो जाते हैं ऑलरेडी मान लीजिए आपने टू हंड्रेड की कॉल बाई की थी वो तो ऑलरेडी आपको मिलेगी वन हंड्रेड के करीब काफ़ी हाफ हो जाता है अमाउंट दो या तीन दिन में हाफ़ हो जाता है अमाउंट तो ऐसा कुछ सिचुएशन होता है कॉल साइड की पोजीशन में अगर यहाँ पे पुट की पोजीशन किसी ने बनाई थी तो अगर ये मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ तो उसके कारण उसको कुछ बेनिफिट मिला नहीं पुट वालों को तो उससे क्या होता है कि कॉल वाले तो निकल गए पुट वाले रह जाते हैं क्योंकि देखिए मार्केट में एक रेड सिग्नल आते ही वो खुश हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ट्रैप करती है मार्केट और ऐसा ही होता है मार्केट में हमेशा क्योंकि एक तो दूसरा क्या होता है कि ये देखिए जब ये गैप डाउन ओपन हो गया तो उनको लगा कि वीकनेस आएगी मार्केट में और ऐसा सोच के थोड़ा सा क्या है कि सेलिंग साइड की पोजिशन ज़्यादा बनने लगती है देखिए बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया हुआ है तो ज़्यादा समय भी नहीं लगा मार्केट में हमें जस्ट कुछ ही देर में हमें प्रॉफिट मिलने लग गया तो देखिए इंग आई है ये ज़्यादा समय भी नहीं हुआ मार्केट में देखते हैं कहाँ निकालने पोजीशन को जब तक ये चल रहा है तब तक तो हम वेट करने वाले हैं देखिए कोई तेज़ी का मोमेंटम आया था लेकिन अभी ये देखिए थोड़ा सा सस्टेनेबल है यहाँ पे देखते हैं क्योंकि अभी भी कन्विंस नहीं हुए हैं अभी भी सेलर कि ये बाइंग साइड जा रहे हैं चलिए अपनी पोजीशन को बुक कर लेते हैं अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो हमने टोटल बुक किया यहाँ पे सिक्सटी थ्री थाउजेंड के अराउंड हमने टोटल अपना प्रॉफिट बुक कर लिया देखिए बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी को हमने फॉलो किया लेकिन आपको एक बार इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना है क्योंकि जो ये आज मैंने किया ये जस्ट एक नया शुरू किया है मैंने एक्सपेरिमेंट किया ये कि कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं पहले ही चार्ट को डिफाइन करूं ताकि मैं पोजिशनल ले जा सकूँ या कुछ इस तरह का मैं कर सकूँ तो इसके लिए मैंने कुछ ये नया करने की कोशिश की है आपको आप भी इसे यूज कर सकते हो लेकिन मुझे पहले इसको डिफ़ाइन कर देने ने, पहला थोड़ा सा इसको रिफ़ाइन कर देता हूँ उसके बाद हम इसको दोबारा से देखेंगे कि इसको यूज़ करने के लिए लायक है या नहीं क्योंकि इसमें देखिए बहुत तेज़ी का मोमेंटम होता है और ऑप्शन बायर को क्या है कि तेज़ी का ही मोमेंटम चाहिए अगर वो तेज़ी का मोमेंटम नहीं कैप्चर कर पाता है तो फिर उसमें मार्केट में बेनिफिट उसको मिलेगा नहीं तो यही देखिए अभी भी मोमेंटम आ रहा है बाइंग साइड का

पहले एस एल वगैरह देख के कि देखिए आपको कुछ समझना होगा कि ये जब ये मोमेंटम आया है तो अगर इस मोमेंटम वालों को निकालना होगा जो वीक हैंड होते हैं उनको निकालना होगा तो मार्केट कैसे बिहेव करेगा अगर उसको आप समझ गए तो धीरे धीरे आप अपने जो ट्रेड की प्लानिंग करने लगोगे तो उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो यही था आज का वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद जय हिंद